<laughs> कितने पढ़े लिखे हैं आपके हस्बेंड uh, छपरा यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं वो really? Yes. फिर भी बेरोजगार है <laughs> यही तो प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम अब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे वाह wow! आप बस उनके लिए एक जॉब देख लीजिए अरे मैं मैंने बाहर सब तरफ देखा लेकिन वो कहीं मिला नहीं कोई बात नहीं जब वो मिल जाए तब मुझे मिलवा दीजिएगा श्योर छोर 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 नहीं इतनी श्योरिटी नहीं है मेरी कंपनी में श्योर thank uh you -huh. इतना सन्नाटा क्यों है भाई आ, इतना धुआं कटा हुआ है यहाँ पे ये यह पहली जगह देख रहा हूँ जहां धुआं होने के बावजूद भी जीरो पोल्यूशन आई लाइक इतनी सुंदर जगह ऐसी सुंदरता तो मैंने कभी देखी नहीं थी <laughs> अरे कोई है अरे कोई है, है? विभूति भैया यहाँ भी <laughs> सुंदरता पे धब्बा लग गया आई डों like <laughs> भाई वॉट हेवनली सरप्राइज सक्सेना जी आप यहाँ जी हाँ मैं यहाँ आप यहाँ कैसे सक्सेना जी भागते भागते आपके फ्रीजर में छुप गया था फिर उसके बाद तिवारी जी ने बाहर से लॉक कर दिया मुझे फ्रीजर में आपको लॉक कर दिया तिवारी भैया या, ने। इट या, फिर या। like <laughs> मैं बहुत देर तक रहा? उसके बाद आई नो मेमोरी मुझे कुछ याद नहीं है भैया फ्रीजर फ्रीजर के के अंदर आपको कैसा लग रहा था? क्या सक्सेना जी एक साथ सुइयां भोंका जाना मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा क्या मतलब क्यों नहीं कर पाएंगे आप घर ले जाएंगे क्या भैया ऐसा है कि एक बार जो यहां आ जाता है वो वापस नहीं जा पाता है क्या मतलब भैया आप स्वर्ग लोक में हैं ये क्या बकवास कर रहे हैं आप बकवास नहीं कर रहा हूं भैया बिल्कुल सही कह रहा हूं आप स्वर्ग लोक में हैं ये आपकी आत्मा है आपका शरीर फ्रीजर में पड़ा हुआ है ओ oh गॉड इसका मतलब मैं मर गया हूं आई एम डन एंड ये मेरी सिर्फ सोल है लेकिन सक्सेना जी आप भी तो मर गए तो फिर आप कैसे मरे भैया मैं टीके के गोले के ठेले पर बल्ब को फिक्स कर रहा था ऐसा झटका लगा ऐसा शॉक लगा कि मेरा बल्ब फ्यूज हो गया और मैं यहाँ पहुंच गया <laughs> लेकिन भैया ऐसा है कि हम दोनों गलत जगह पहुंच गए हैं वो कैसे वो ऐसे भैया कि ये स्वर्ग लोक है और इंसानों के कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है कि उसको कौन सा लोक एलोकेट होगा स्वर्ग लोक या नर्क लोक है ना अब आपके कर्म जो हैं वो इतने घटिया हैं इतने घटिया हैं कि आपकी औकात नहीं है स्वर्ग लोक पाने की <laughs> और मुझे भी स्वर्ग लोक बिल्कुल नहीं सही लग रहा है मेरे लिए मुझे भी नर्क लोक में ही जाना चाहिए भैया ऐसा है कि मेरी दिली तमन्ना यह है कि मुझे जलती हुई कढ़ाई में उबलते हुए तेल के अंदर डालकर मेरे पकोड़े तले जाए और फिर मेरे पकोड़े आपके जैसे नल्लों और बेशर्मों को खिलाए जाएड़े हेवनली थप्पड़ आई लाइक इट भैया हो <laughs> भैया मुझे जाना होगा <laughs> मैं जा रहा हूँ एक एक मिनट अभी तो आपने कहा था कि यहाँ पे जो आ जाता है वो वापस जा नहीं पाता ऐसा भैया कि जब किसी को पूरी शिद्दत से पुकारा जाता है तो पूरी कायनात उसको वापस बुलाने में लग जाती है वापस खींचने में लग जाती है देखिए ना वहाँ पे कैसे मेरे लिए शोक मनाया जा रहा है <स्थारीण> अब अपने पकौड़ों के चक्कर में मैं उनकी आंखों में आंसू आने नहीं दे सकता भैया इसलिए मैं जा रहा हूँ मुझे भी साथ में ले चलिए ना प्लीज़ नहीं भैया मैं आपको अपने गेटवे से नहीं ले जा सकता आप फ्रीजर के गेटवे से आए हैं तो जब कोई फ्रीजर में आकर आपको पुकारेगा तभी आप आ पाएंगे। ओके मैं चलता हूँ नहीं तो नहीं तो क्या भैया नहीं तो बस यहीं रहिए हैं है? आप जैसे लोगों के लिए बेस्ट जगह है कोई काम धंधा नहीं है बस ऐश ही ऐश है जी, थक, थक, थक... अरे यार इतना जबरदस्त करंट खाया मैंने ऐसे शौक ऐसे झटके बड़ी मुश्किल से कभी कभार खाने को मिलते हैं <laughs> शायद जिंदगी में पहली बार ऐसा करंट खाया मैंने I like it. बस मेडिकल साइंस में इतना बड़ा चमत्कार मैंने आज तक नहीं देखा <laughs> ये हुआ कैसे एक मिनट मैं फिर से नब्ज चेक करता हूं अरे बाप रे बाप सक्सेना भैया का खून तो मिसाइल की स्पीड की तरह दौड़ रहा है <laughs> आज रात आपको हम लोग हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ेगा हम लोग हॉस्पिटल I like it. <laughs> oh God, why, why you do this This to me every time? This is very unfair. मुझे भी बुरे बुरे लोग पड़े हैं इस में. उनको नहीं उठाया मुझे उठा लिया. और मैं कैसा जी के तना I'll miss so much, please. अरे यार मुझे कोई बुला लो भाई कोई तो बुला लो मुझे बुला लो अब तुझे कोई ना पुकारने वाला यहीं मर ले ते कम वकत तू यहाँ पर भी आ गया? भाई तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। बेटा तू मुझे एक बार देख जा। इतना धोऊँगा इतना धोऊँगा कि तेरा साया भी तेरा साथ छोड़ देगा। ए भाई, अरे बुला लो मुझे भाई।